बौद्ध धर्म दुनिया का महान ऐसा धर्म है जिसकी नींव भारत में रखी गई और भारत से यह धर्म दुनिया के अनेक देशों में फैला। आज पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के उपासक धम्म का आचरण करते देखे जाते हैं। लेकिन एक समय भारत में ऐसा भी आया कि इस महान धम्म की रचना जिस भूमि पर हुई वही उसके पतन का प्रयत्न भी किया। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश से धीरे धीरे बौद्ध धर्म का विनाश कर दिया और कई कई दशकों तक इस पौराणिक महान धर्म की याद लोगों के मन से हटा दी गई और उन्हें मानसिक बेड़ियों में बांध लिया गया। अगस्त 26, 1925 स्टॉकवेल लंदन में डेनिस फिलिप एडवर्ड लिंग्विट का जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ। बचपन से ही उनके हृदय में पीड़ा रहती थी जिसके कारण वे प्राथमिक अभ्यास के लिए स्कूल नहीं जा सकते थे। उन्होंने अपना प्राथमिक अभ्यास घर पर ही पाया। 14 साल की उम्र में घर बैठ वेस्ट का अभ्यास पढ़ लिया था। पहली बार मैडम हेलेना बेलविस्की की किताब आइसिस अनवील्ड पढ़ने के बाद डेनिस को लगा कि वे कभी ईसाई थे ही नहीं। उसी साल उन्होंने बौद्ध धर्म की दो किताबें डायमंड सूत्र और प्लेटफॉर्म सूत्र पढ़ने के बाद डेनिस को लगा कि वे हमेशा से एक बौद्ध थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1943 में 18 साल की उम्र के होते ही उन्हें सेना में भर्ती किया गया। इस दौरान वे पहली बार सेना के वायरलेस ऑपरेटर के रूप में भारत आए। युद्ध समाप्त होते ही उन्होंने आम कपड़े त्याग दिए। मई 1944 में उन्होंने ईसाई धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और त्रिशरण एवं पंचशील ग्रहण किए। बाद 1949 में चंद्रमणि थेरा के द्वारा श्रामणेर की दीक्षा ली और चंद्रमणि थेरा ने उन्हें संघरक्षित नाम दिया। संघरक्षित यानी संघ का रखवाला। में भंते के गुरु जगदीश काश्यप ने उन्हें भारत की सीमा पर बसे कालिंपोंग शहर में जाने को सूचित किया। 14 साल तक भंते संघरक्षित कालिंपोंग में रहे और 1966 में इंग्लैंड वापस गए। कालिंपोंग में बिताए समय के दौरान भंते महाबोधि जर्नल के एडिटर थे। उन्होंने स्टेपिंग स्टोन नाम की पत्रिका शुरू की और यंग मेंस बुद्धिस्ट एसोसिएशन की भी शुरुआत की जिसकी बागडोर वे कालिंपोंग से संभालते थे। भंते संघरक्षित ने बौद्ध धर्म की शिक्षा महान गुरुओं के साथ रहकर पाई जिनमें बौद्ध धर्म के कई विद्वान गुरु शामिल हैं जैसे जगदीश काश्यप, कांचो रिम्पोचे, धार्डो रिम्पोचे, दिलगो खेत्से रिम्पोचे, चेतुल सांगे दोर्जे, दुज्जोम रिम्पोचे और योगी चैन। अलग अलग गुरुओं के पास से पाए बौद्ध धम्म के ज्ञान को अपने अंदर समेटे हुए भंते संघरक्षित 19 बौद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार का कार्य शुरू किया।
1944 में भंते संघरक्षित सर्वधर्म सभा में शामिल होने के लिए गुजरात के अहमदाबाद शहर में आए और प्रथम बार भंते संघरक्षित ने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर अहमदाबाद में बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव मनाया। वास्तव में कई सालों बाद 1944 में भंते संघरक्षित के द्वारा आधुनिक गुजरात में प्रथम बार बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। ১৯৫২ में भंते संघरक्षित डॉ. बाबा साहब आम्बेडकर से मिले, जिन्हें उस समय भारत में एक बड़े क्रांतिकारी और अछूतों एवं दलित समाज के बड़े नेता के रूप में देखा जाता था। ১৯৫০ से ही डॉ. आम्बेडकर और भंते संपर्क में थे। धर्म परिवर्तन के विचार पर बाबा साहब ने भंते संघरक्षित को उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा देने के लिए याचना प्रस्तुत की थी, किंतु भंते संघरक्षित ने बाबा साहब को चंद्रमणि थेरो के द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करने को कहा। बाबा साहब ने वो माना और चंद्रमणि थेरो के हाथों बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। दीक्षा लेने के एक हफ्ते बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का निर्वाण हो गया। बाबा साहब का कार्य अधूरा था, जिसे भंते संघरक्षित ने अपना समझकर शुरू किया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की शोक सभा में भंते संघरक्षित शामिल हुए। उस समय के माहौल को भंते संघरक्षित अपने शब्दों में कुछ इस प्रकार से वर्णन करते हैं। मैं मुंबई में था, बॉम्बे। मुझे नागपुर जाने की बहुत इच्छा हो रही थी। ये केवल बौद्धिक सोच न थी, हृदय से भावनिक रूप से था। मेरे पारसी मित्र ने कहा कि इन दोनों में कुछ हो सकता है, इसलिए आप मत जाओ। तो मुझे हृदय से लग रहा था कि मुझे नागपुर जाना ही चाहिए। मैंने वैसे ही किया जैसे मुझे लग रहा था और मैं नागपुर गया। मेरे मित्र एडवोकेट कुलकर्णी के घर मेरा रुकना था। वहाँ पहुँचने के आधा घंटे के बाद में कोई एक व्यक्ति आया सीताबर्डी से समाचार लेकर कि बाबा साहब अब हमारे बीच में रहे नहीं है, वो गुजर बसे। लोग बहुत सदमे में हैं, द्विधा में हैं। आपको कुछ बोलना चाहिए, ऐसा मुझे कहा गया। भारतीय बौद्ध महासभा के सीताबर्डी कार्यालय हम मिले। मैंने कहा अगर लोग बड़ी संख्या में रहेंगे तो लाउड स्पीकर लगाएंगे तो मैं बोलूंगा। और कस्तूरचंद पार्क में सभा का आयोजन हुआ। शाम का समय था, बहुत अंधेरा छाया हुआ था। मैंने देखा कि हर दिशा में से बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे थे और हर एक के हाथ में प्रज्वलित मोमबत्ती थी और वो कस्तूरचंद पार्क की ओर आ रहे थे। वहाँ बहुत शांति प्रवर्तमान थी। हम जानते हैं कि भारत में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं तो वहाँ शांति का अनुपालन कठिन, संपूर्ण शांति थी। शोक सभा शुरू हुई
लाउडस्पीकर का व्यवस्था कर पाए थे लेकिन अन्य सुविधा नहीं हो पाई थी। हाँ, कुछ वक्ता भी उपलब्ध थे लेकिन अति भावनिक होकर क्षणिक बोलकर बैठ जाते थे। सभा में उपस्थित अनेक लोग रो रहे थे, आंखों में से आंसू बह रहे थे। दो तीन वक्ता ने ऐसा किया, बाद में मुझे बोला गया। मुझे लगा कि मेरे केवल आंसू न बहाकर कुछ विशेष कहना चाहिए। वहाँ कोई स्टेज नहीं था, मैं रिक्शा के ऊपर खड़ा हुआ। मैंने कहा, डॉक्टर बाबा साहब मृत्युवश हुए हैं, यह आघातजनक और दुखद घटना है, लेकिन हमें उनके कार्य का आगे ले जाना है। बाबा साहब की चेतना मरी नहीं है, उनके बताए कार्य हमें करें। प्रवचन के बाद लोग मुझे मिले और कहा, उनको बहुत प्रेरणा मिली। कुछ लोगों ने मुझे यह भी कहा कि उस दिन मैंने नागपुर में बौद्ध धर्म को बचाया था। किंतु मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं अपना प्रवचन दे रहा था, मुझे एहसास हुआ जो मेरे लिए शब्दों में बताना मुश्किल है, लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर वहाँ मौजूद थे। एक बहुत बड़ी डॉक्टर आम्बेडकर की चेतना वहाँ मौजूद थी और इस प्रकार का अनुभव मुझे इस समय हो रहा था। मैं 4-5 दिन के लिए नागपुर में ठहरा और मैंने कई अलग अलग विस्तारों में प्रवचन दिए। मैंने करीबन 30-35 प्रवचन दिए। मैंने हर विस्तार में एक ही संदेश पहुंचाने का प्रयत्न किया कि डॉक्टर आम्बेडकर मृत्युवश हुए हैं, किंतु उनका कार्य हमें आगे बढ़ाना है, उनके काम को हमें पूरा करना है। ।1966 में भंते संघरक्षित भारत से इंग्लैंड आए और लंदन में ध्यान वर्ग शुरू किए। साल 1967 में भंते को पश्चिम के जगत में स्थिर बौद्ध संघ की कमी महसूस हुई और इस तरह भंते संघरक्षित ने 7 अप्रैल 1967 के दिन फ्रेंड्स ऑफ वेस्टर्न बुद्धिस्ट ऑर्डर का निर्माण किया, जिसके 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं, जिसे आज त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के रूप में भारत में और त्रिरत्न बुद्धिस्ट कम्युनिटी के नाम से पूरे विश्व में प्रचलित है। 7 अप्रैल 1968 के दिन प्रथम 12 व्यक्ति को उपासक उपासिका की दीक्षा दी और इस तरह दुनिया में एक नए प्रकार के बौद्ध संघ का निर्माण भंते संघरक्षित ने किया, जो कि पौराणिक बौद्ध परंपरा के मुताबिक 10 सील के आचरण करने की प्रतिज्ञा ग्रहण की और इन्हें प्रथम 10 सीलधारी उपासक कहा गया। बाद में सन 1982 में इन उपासकों को धम्मचारी और धम्मचारिणी कहा गया। धम्मचारी यानी धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति। भंते संघरक्षित ने 1977 में धम्मचारी लोकमित्र को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत भेजा। धम्मचारी लोकमित्र ने भारत पहुंचकर महाराष्ट्र और गुजरात में धर्म प्रचार का कार्य किया। ।1979 में भंते संघरक्षित भारत आए और भारत के प्रथम 15 व्यक्ति को
महाराष्ट्र में सिंहगढ़ और गुजरात के गांधीनगर में धम्मचारी की दीक्षा दी। आज दुनिया के सभी खंड एवं उपखंड में त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के केंद्र उपलब्ध है, जहां भगवान बुद्ध की आध्यात्मिक शिक्षा का धम्मचारी और धम्मचारिणी आचरण करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारा यह सौभाग्य है कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बौद्ध धर्म के सामाजिक दर्शन को अभिप्रेत ऐसा एक संघ है जिसे भंते संघरक्षित ने पूरे विश्व में फैलाया है। जो लोगों के लिए दीक्षा, शिक्षा और आचरण हेतु एक सुयोग्य वातावरण प्रदान करता है। फिलहाल जगत में करीबन 2000 से ज्यादा धम्मचारी धम्मचारिणियां मौजूद हैं। भारतवर्ष में 600 से ज्यादा धम्मचारी धम्मचारिणियां हैं। भारत में 8000 से ज्यादा धम्म मित्र है और पूरे विश्व में 10,000 से ज्यादा पुरुष महिला धम्म मित्र मौजूद है। साथ ही साथ लाखों की तादाद में दुनिया भर के लोग त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से जुड़े हुए हैं। भारत में 36 से ज्यादा मुख्य केंद्र एवं उससे कई गुना ज्यादा उपकेंद्र निर्माण हुए हैं, जो भारत के ज्यादा से ज्यादा राज्य में कार्य कर रहे हैं। इस वैश्विक महासंघ में आपका स्वागत है और पुनः त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की सुवर्ण जयंती की आप सभी धम्म बंधु एवं भगिनियों को मैत्रीपूर्ण शुभकामनाएं।